आपको अल्लाह अकबर से इतना प्रेम है, आपको मौलवी मदरसों से इतना प्रेम है, पर आपको राम नाम के नारे लगाने वालों से इतनी चिढ़ क्यों है ममता बनर्जी? आज प्रदेश की जनता इसका भी हिसाब मांगेगी। ममता दीदी बोलती है जय विष्णु माता। आज मैं बंगाल के अपने मित्रों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने तो बहुत धर्म का जो है स्वाध्याय किया है, मुझे कहीं विष्णु माता नाम का कोई भी जो है हमारे देवी देवता मुझे नहीं प्राप्त हुए। 12 घंटे जो है ट्रेडमिल करता है और 2 घंटे में हम जो है सारा कुछ ट्रेडमिल में बजट भी बना लेता है, अपना दिन का काम भी कर लेता है। हे भगवान, देवी जी, आप अपने आप को रजनीकांत की बुआ क्यों नहीं घोषित कर देती? जो वहां पर चुपई चाप कमल छाप का जो नारा चल रहा है, ममता बनर्जी की जड़ें जनता ने काट दी हैं। आज बंगाल ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जिन्होंने लोगों को मां माटी मानुष के नारों से भ्रमित किया और उसके बाद माल मियां और मदरसों की राजनीति में चले गए। आज तुष्टिकरण का ये आलम है। एकीकृत होते हुए हिंदू वोटरों से, हिंदू समाज के लोगों से डर के जो है ममता बनर्जी ने अभी कुछ दिनों पहले जो है पुरोहित भत्ता चालू कर दिया। आप बताइए, मदरसों के मौलवियों को पालने के लिए पिछले कई सालों से जो है बजट पे बजट घोषित किया जा रहा था। जब देखा कि जो है 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 भाजपा के सांसद आ गए और 4 सांसद तो लगभग 1500 के गैप में हारे हैं, तो लगभग 20-22 सांसद भाजपा के जीत रहे थे। तो अब आप 20-22 का आंकड़ा अगर विधानसभाओं में परिवर्तित करके देखें तो भाजपा बहुत इजीली वहां सरकार बना रही है। 160 से 180 के बीच में सीटें आ रही हैं और यही ममता बनर्जी के डर का कारण है। कल देश के प्रधानमंत्री की हुगली में जनसभा हुई और उस जनसभा में अगर आप लोगों का हुजूम देखें तो आपको महसूस होगा कि पूरा बंगाल परिवर्तन का नारा लगा रहा है और हुगली के उस मैदान में देश के प्रधानमंत्री का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मानो पूरा बंगाल उमड़ पाया है। और वही चीजें जो ये जनसभाओं में, अमित शाह जी की रैली होती है तो बंगाल में जो है 5-6 विधायक आ जाते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं तो पूरा मानव बंगाल का मानव समंदर उमड़ पाता है। और यही ममता बनर्जी की नींदे उड़ाने के लिए काफी है। और रही सही कसर तो उनके जो तथाकथित भतीजे हैं, जो अपने आप को जो है बहुत बड़ा डॉन समझते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, उनके परिवार के काले कारनामे खुल रहे हैं। आज CBI उनसे जो है जांच कर रही है, ED उनके को जो है जांच कर रही है तमाम घोटालों में। तो आज प्रदेश की जनता ममता बनर्जी से ऊब चुकी है और उनके इस दिखावे, मैं तो कहता हूँ कि केजरीवाल तो बाद में आया, पर ये केजरीवाल का जो ये एग्जिस्टिंग वर्जन है वो बंगाल में पिछले 10 सालों से पड़ा हुआ है। और उस बंगाल को जो वामपंथियों ने, जिस बंगाल को दुर्दशा में जो है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो एक जो है धरातल पर पहुंचा दिया था, ममता बनर्जी ने उसको और जो है पाताल में ले जाने का काम किया है। जो लोग कल तक बुरके की राजनीति करते थे, टोपी की राजनीति करते थे, बंगाल के अंदर सरस्वती पूजा के लिए, काली विसर्जन के लिए जो है प्रदेश के हिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता था, आज वही कालनेमी के रूप में अपने आप को जो है बहुत बड़ा हिंदुत्व का ठेकेदार बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये बंगाल की जनता भूली नहीं है कि मुहर्रम मनाने वाले लोगों को खुश करने के लिए जो है काली पूजन जो है ममता बनर्जी ने शासनादेश निकालकर रुकवा दिया था। तो बंगाल की जनता की मेमोरी इतनी शॉर्ट नहीं है कि आज तुम चाहे गंगा जल छिड़क लो और तुम शबे जमजम की जो राजनीति करते थे वो जो है प्रदेश की जनता ने भली भांति देखा है। और इस बार जो वहां पर चुपई चाप कमल छाप का जो नारा चल रहा है, ममता बनर्जी की जड़ें जनता ने काट दी हैं। तो ममता बनर्जी को समझ आ चुका है कि अब जो है मेरे पापों का घड़ा भर चुका है और एक एक पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। देश के गृह मंत्री ने अपनी सभा में बोला है कि एक एक भाजपा के कार्यकर्ता की शहादत का जो है एक एक खून के कतरे का बदला लिया जाएगा। आप बताइए, आप कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? आप कौन से मानवाधिकार की बात कर रहे हैं? भाजपा के जो है निहत्ते और जो है इतने गरीब तबके के जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को चुन चुन कर ममता बनर्जी के गुंडे कभी कहीं पे लटका के मार रहे हैं, कहीं पे गला काट के मार रहे हैं और वहाँ की पुलिस, वहाँ का प्रशासन जो है TMC के कैडर की तरह काम कर रहा है। हमने वो वीडियो भी देखी है जहाँ बाजार के अंदर जो है जय श्री राम के नारे लगाने वाले लोगों को वहाँ की पुलिस और प्रशासन उठाकर लेके जा रही है। तो जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता, आप सोचिए, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और वहाँ पर जय श्री राम के
नारे लग रहे हैं, और ममता बनर्जी की बौखलाहट, क्या ममता बनर्जी की जबान से अगर जय श्री राम निकल जाता तो क्या उनकी जबान जो है क्या खराब हो जाती? आज प्रदेश की जनता पूछ रही है, आपको अल्लाह अकबर से इतना प्रेम है, आपको मौलवी मदरसों से इतना प्रेम है, पर आपको राम नाम के नारे लगाने वालों से इतनी चिढ़ क्यों है ममता बनर्जी? आज प्रदेश की जनता इसका भी हिसाब मांगेगी। आप 250 करोड़ से ऊपर मदरसों का जो है बजट देती हैं, पर इंडस्ट्री का बजट मदरसों के बजट से कम होता है। आज प्रदेश की जनता जो है आपसे जवाब मांगेगी। आज देश में लिटरेसी रेट से लेकर आप तमाम आंकड़ों पर आप जो है आज डिबेट कर लीजिए, हर आंकड़ों पर पश्चिम बंगाल सबसे निचले पायदान पर पाया जाता है। प्रदेश की जनता आपसे जवाब मांगेगी। आपने जिस परिवर्तन की बात की, आपने 10 साल में जो है प्रदेश को, प्रदेश की जनता को रसातल पर पहुंचा दिया। प्रदेश की जनता, कौन से माँ, कौन सी माटी और कौन सी मानुष के जीवन में आपने परिवर्तन किया? आपने एक संप्रदाय विशेष के लोगों के जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन किया, और तुष्टिकरण की राजनीति के अलावा आपने कोई दूसरा काम नहीं किया। प्रदेश की जनता आपसे जो है उसका भी हिसाब मांगेगी। तो अगर आपको एक संप्रदाय विशेष की नेता ही बनना है, तो आपको उस संप्रदाय का राजनीति मुबारक हो, और जो इस प्रदेश के अंदर जो और बहुसंख्यक सनातन धर्मी लोग हैं, वो अपने परिवर्तन के नारे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जय श्री राम का नारा बुलंद होगा, और आने वाले दिनों में ममता बनर्जी के पापों का हिसाब, ममता बनर्जी और उनकी सरकारों के कुकृत्यों का हिसाब, उनके जितने भी ममता बनर्जी ने पिछले 10 सालों में जो वहां की बंगाल की जनता के साथ ज्यादतियां की हैं, उसका एक एक हिसाब लिया जाएगा। दाल में कुछ काला नहीं है, यहाँ पूरी की पूरी दाल ही काली है। और बर्बादी का आलम यह है कि उस डूबते हुए तृणमूल के जहाज को सारे लोग जो है छोड़कर भाग रहे हैं। आपने देखा होगा, तृणमूल के एक से एक बड़े नेता पिछले 2-3 महीनों में तृणमूल कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं, और अभी ताजा बहुत सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है दिनेश त्रिवेदी, रेल मंत्री रह चुके हैं पिछली सरकारों में, उन्होंने राज्यसभा के पटल से उनको जुमा 1 वर्ष हुआ था। आपको नॉलेज होगा कि एक राज्यसभा सांसद बनने के लोग क्या कुछ प्रयत्न नहीं करते। उस व्यक्ति ने 1 साल के अंदर जो है राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बोला, राज्यसभा के पटल पर बोला कि मुझे इस पार्टी के अंदर घुटन होती है। तो आप सोचिए, जिस ममता दीदी ने कांग्रेस पार्टी को विदेशी मूल के चक्कर में जो है छोड़ा था, परिवारवाद के चक्कर में छोड़ा था, आज वही परिवारवाद की सबसे बड़ी जो है महानायिका बनी घूम रही हैं। और जिस बंगाल के अंदर जो है सीबीआई नहीं घुस पाती थी, आज जो है सीबीआई की जो जांच की आंच है वो सीधा सीधा ममता बनर्जी के घर पहुंच रही है। और जिस अभिषेक बनर्जी की आपने भाषा देखी होगी, ममता बनर्जी की भाषा आपने देखी होगी, ये लोग समझते हैं कि जो हमारी ये लोकतांत्रिक है, ये अगर प्रदेश के मुखिया हैं तो ये जो देश का जो भी फेडरल स्ट्रक्चर है, इसको जो है अपने हिसाब से चैलेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी बोल सकते हैं। ये लोग देश के प्रधानमंत्री पद के जो है गरिमा का सम्मान नहीं करते, देश के प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल सकते हैं। इन लोगों को जय श्री राम के नारों से जो है एलर्जी होती है। ये लोग विधानसभा के अंदर स्पेशल जो है बिल इंट्रोड्यूस करते हैं जय श्री राम जैसे नारों को रोकने के लिए, पर ममता दीदी को जो है जोर जोर से अल्लाह अकबर बोलने में बड़ा मजा आता है। ममता दीदी बोलती है जय विष्णु माता। आज मैं बंगाल के अपने मित्रों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैंने तो बहुत धर्म का जो है स्वाध्याय किया है, मुझे कहीं विष्णु माता नाम का कोई भी जो है हमारे देवी देवता मुझे नहीं प्राप्त हुए। पर ममता बनर्जी अपने आप में जो है, मैं तो ये मानता हूं कि ममता बनर्जी का भी मैं एक दिन पहले इंटरव्यू देख रहा था, तो वो आज तक के मंच पर बैठी हैं और वो बोल रही हैं कि हम 12 घंटे जो है ट्रेडमिल करता है, और 2 घंटे में हम जो है सारा कुछ ट्रेडमिल में बजट भी बना लेता है, अपना दिन का काम भी कर लेता है। हे भगवान, देवी जी, आप अपने आप को रजनीकांत की बुआ क्यों नहीं घोषित कर देती? क्योंकि आप सारा कुछ काम तो ट्रेडमिल में 2 घंटा में 12 किलोमीटर चल लेता है। अरे बाबा, आप मुझे लगता है आपको सीएम ऑफिस जाने की आवश्यकता ही नहीं है, आप सब कुछ तो ट्रेडमिल पे कर लेती हैं। आप ट्रेडमिल पे वॉक भी कर लेती हैं, ट्रेडमिल करते हुए फोन पे भी बात कर लेती हैं, आप बजट भी बना लेती हैं, मोदी को गाली भी दे देती हैं। तो देवी जी, आप तो महान हैं, आप साधारण इंसान नहीं, आप महापुरुष हैं। देखिए, ममता बनर्जी की जो ये डेस्परेशन है, जो ममता बनर्जी की नर्वसनेस है, और जिस हिसाब से ममता बनर्जी रिएक्ट कर रही हैं सीरीज ऑफ एक्शंस पर, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि
आपके जितने भी काले कारनामे हैं, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो शारदा चिटफंड स्कैम हो, तमाम घोटाले हैं और उनके ऊपर से धीरे धीरे जो है पर्दा हटता जा रहा है और वो चीज़ें जनता के सामने बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से आ रही हैं और जनता इन चीज़ों का जवाब वोट की ताकत से इस बार के 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के जितने भी जो अराजक राजनीति रही है उसका जो हिसाब जो है बंगाल की जनता करने के लिए तत्पर है। तो ममता बनर्जी ये लास्ट मोमेंट पे जो भी जो पर्दा डालना चाहें, जो कुछ करना चाहें, क्योंकि वो सूबे की मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि राजा हैं वो, उस प्रदेश की महारानी हैं, तो वो अब वही वाली बात है ना, हम कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो अब जब चुनाव में जाएंगी तो जनता ईंट का जवाब पत्थर से देगी और ममता बनर्जी उसको जो है झुठला नहीं सकती।